नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। राग क्या है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति राग होता है। राग का मतलब ही है कि उसकी विद्युत और सामने वाले व्यक्ति की विद्युत में संयोग होता है, अनुकूलता पैदा होती है और राग निर्मित हो जाता है। यदि विद्युत अनुकूल नहीं है, राग निर्मित नहीं होगा। इसीलिए एक व्यक्ति के प्रति राग होता है, दूसरे के प्रति नहीं होता। नहीं होता। हम बहुत बार आश्चर्य करते हैं कि बहुत काला कैसे राग पैदा हो गया, कुरूप के प्रति कैसे राग पैदा हो गया। ये हमारा देखने का बहुत स्थूल दृष्टिकोण है। रंग काला हो, रूप सुंदर न हो, संस्थान अच्छा न हो, किंतु यदि विद्युत शक्तिशाली है तो उस व्यक्ति के प्रति इतना अनुराग पैदा होगा कि दूसरे लोग तो उसकी व्याख्या भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं, बहुत बार, कि न जाने क्या हो गया, सामने वाला व्यक्ति इतना पुरुष था, फिर भी वह तो उसमें मुग्ध हो गया। ये मुग्धता रंग के प्रति नहीं होती, ये मुग्धता संस्थान के प्रति और आकार के प्रति नहीं होती, ये मुग्धता होती है विद्युत के प्रति। जब अनुकूल धर्मा विद्युत मिलती है, दो व्यक्तियों की मिल जाती है, तो विद्युत से विद्युत बांधती है। मैं बहुत बार सोचता था कि काव्य शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री अपने कटाक्ष के बाणों का प्रक्षेप करती है। ये कटाक्ष क्या है? कटाक्ष क्या है? बहुत बार सोचता था। जब तक इस अध्यात्म की गवेषणाओं में नहीं लगा, कभी समाधान नहीं हो पाया। किंतु इस क्षेत्र में आने के बाद तो मुझे लगा कि बहुत सरल बात है, कुछ भी नहीं। आंख में से बिजली निकलती है, हमारे मस्तिष्क में बहुत बिजली पैदा होती है और आंख मस्तिष्क का दरवाजा है। यदि मस्तिष्क को देखना हो तो दो उपाय हैं, या तो शल्यक्रिया या आंख के मार्ग से खोपड़ी तक देखा जा सकता है। तो मस्तिष्क में से बिजली निकलती है और वह बिजली आंख के द्वारा बाहर जाती है। बिजली के बाहर जाने के दो तीन बड़े साधन हैं, एक आंख, एक अंगुलियां और एक वाणी। ये तीन बड़े साधन हैं जिनके माध्यम से बिजली बाहर जाती है। तो आंख के माध्यम से बिजली जाती है और वह बिजली जब दूसरे व्यक्ति की बिजली से टकराती है, व्यक्ति सम्मोहित जैसा हो जाता है। ये सारा का सारा खेल मुझे लगता है कि विद्युत का है। हम जब तक इस विद्युत की महिमा को, गरिमा को, इस सिद्धांत को नहीं समझेंगे, तब तक काम का या राग का परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, दिशांतरण या मार्गांतरण नहीं कर सकेंगे। हमें समझना होगा कि विद्युत का दिशांतरण करें और राग को नई दिशा में मोड़ें। जिस व्यक्ति ने अपनी विद्युत ऊर्जा को नई दिशा में मोड़ दिया, ज्ञान के प्रति, सिद्धांत के प्रति, किसी आदर्श के प्रति या धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति, उसकी काम ऊर्जा अपने आप शिथिल हो गई। उसकी रागानुभूति, जो राग की प्रणालिका जिसमें से सारा ऊर्जा का जल उस काम को, सेक्स को सिंचन करने में लगता था, वह रास्ता धीमे धीमे बंद होने लगा और नया रास्ता खुल गया। सारा पानी उसमें से बहने लगा और वह उसको पुष्ट करने लगा। दो शब्दों का अध्यात्म में एक नया प्रयोग हुआ कि प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। राग को दो भागों में बांट दिया गया, एक अप्रशस्त राग और दूसरा प्रशस्त राग। यानी जो विषयों के प्रति, पदार्थ के प्रति हमारा राग होता है, वह अप्रशस्त राग है। और जो राग धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति या गुरु के प्रति, सिद्ध पुरुष के प्रति, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को धर्ममय बना लिया, धर्म मूर्ति बन गया, उस व्यक्ति के प्रति जो राग होता है, वह प्रशस्त राग होता है। धम्मानुराग रत्ते, धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है? धर्म के अनुराग से रक्त होता है। अनुराग है
राग नहीं मिटा, अंतर इतना आया कि जो राग उस दिशा में विषय की दिशा में जा रहा था वह धर्म की दिशा में आ गया। धम्मानुराग रत्ते अठी मिंज प्रेमानुराग रत्ते निग्रंथे पावैणे, अठी मिंज प्रेमानुराग रत्ते निर्ग्रंथ प्रवचन में यानी सत्य की खोज में सत्य के अनुभव में उसकी अस्थियां और मज्जाएं प्रेम के राग से अनुरक्त हो गई। राग के बिना काम नहीं चलेगा। जब तक हम एक बीत राग की भूमिका में नहीं पहुंच जाते हैं, हमारे कसाय सर्वथा क्षीण और उन्मूलित नहीं हो जाते हैं, तब तक राग के बिना काम नहीं चलता। राग का दिशांतरण होता है, अस्थियां हड्डियां और मज्जाएं सारी की सारी धर्म के राग से अनुरक्त हो जाती है। और जब वह राग बढ़ता है तो अपने आप पदार्थ के प्रति विराग हो जाता है। साधना का महत्वपूर्ण सूत्र है अनुरागाद विराग, अनुरागाद विराग। एक के प्रति अनुराग, इसका अर्थ हुआ कि दूसरे के प्रति विराग। विराग और राग दोनों सापेक्ष शब्द हैं। जब हमारा आत्मा के प्रति राग उत्पन्न हुआ, पदार्थ के प्रति विराग हो गया। पदार्थ के प्रति राग उत्पन्न हुआ, अध्यात्म के प्रति या आत्मा के प्रति विराग हो गया।